वैसे तो मैं वेनम 2 के ट्रेलर पर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन यार कॉमिक वर्स और देसी नेट जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स पहले से ही इस ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भाई कल शाम ट्रेलर आया था और आज सुबह उन्होंने ब्रेकडाउन की वीडियो भी डाल दी। और इसी से हमें ये पता चलता है कि ये लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो देखो, फिलहाल तो मैं किसी भी मूवी के टीजर ट्रेलर पर वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन जल्द ही बनाना स्टार्ट कर दूंगा। हां, तो अब आज की इस वीडियो के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको मार्वल के ऐसे कपल्स या डुओस के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमें एमसीयू की मूवीज में अभी तक नजर आ चुके हैं। और हां, मैंने इस लिस्ट को रैंक नहीं किया है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसे नंबर 1 पर रखते हो और किसे नंबर 10 पर। तो हमारा पहला डुओ आता है ब्लैक विडो एंड होकाई। तो जहां ब्लैक विडो का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन 2 में हुआ था, वहीं होकाई सबसे पहले हमें थोर मूवी में नजर आया था, और फिर इन्होंने द एवेंजर्स मूवी में चित्तोरी आर्मी से फाइट भी की। और भाई, ये डुओ स्पेशल इसलिए है क्योंकि इन दोनों के पास एक भी सुपर पावर नहीं है, ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस हैं हमारी तरह। अब 2019 में एवेंजर्स एंड गेम में ब्लैक विडो अपने आप को सोल स्टोन के लिए सेक्रीफाइस कर देती है और होकाई रिटायर होकर अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच जाता है। तो इसके बहुत कम चांस हैं कि ये डुओ हमें दोबारा से एमसीयू में दिखे। कैप्टन अमेरिका एंड फैल्कन। अब भाई, ये जोड़ी सबसे पहले हमें देखने मिली थी कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में, जहां कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और ब्लैक विडो तीनों मिलकर हाइड्रा को हराते हैं। और 2014 से लेकर 2019 तक कैप्टन अमेरिका और फैल्कन एक टीम की तरह काम करते रहे, लेकिन एंड गेम में कैप्टन अमेरिका की उम्र हो गई, जिस वजह से उन्होंने अपनी ढाल फैल्कन को दे दी और फैल्कन ने उस ढाल को जाके म्यूजियम में रख दिया। अब चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन फैल्कन कैप्टन अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर था, जो कैप्टन की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता था। एंटमैन एंड द वास्प। अब भाई, इस कपल को कौन नहीं जानता। ये दोनों सबसे पहले हमें 2015 में आई एंटमैन मूवी में नजर आए थे, और फिर 2018 में आई एंटमैन एंड द वास्प में होप को भी अपना वास्प वाला सूट मिल गया। अब देखो, जहां होप हाईली ट्रेंड है और अपने सूट का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जानती है, वहीं स्कॉट लैंग को अपने एंटमैन सूट का इस्तेमाल सही तरीके से करना नहीं आता और बीच बीच में उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, जिस वजह से हम उसे इतना ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। आयरन मैन एंड वॉर मशीन। इन दोनों को एक साथ हमने आयरन मैन 2 मूवी में देखा था, जहां पर शुरुआत में तो ये दोनों ही खुद आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, पर बाद में इन दोनों ने मिलकर ही विप्लेश को हराया था, और तब से ही वॉर मशीन को हम एमसीयू में देखते हुए आ रहे हैं। पर ये कैरेक्टर ज्यादातर हमें एमसीयू में साइड रोल में ही दिखा है, पर अब केविन फाइगी ने आर्मर वॉर्स नाम की एक वेब सीरीज अनाउंस की है, जिसमें हमें वॉर मशीन लीड रोल में दिखेगा। लेकिन इन दोनों आर्मर्ड सुपर हीरोज को एक साथ लड़ते देखना काफी मजेदार एक्सपीरियंस था। वांडा एंड विजन। इन दोनों ने ही एमसीयू में अपनी एंट्री मारी थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से, और फिर सिविल वार में ये एक दूसरे के अपोजिट होकर लड़े, फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में वांडा ने विजन को मार दिया, फिर थेनोस ने विजन को फिर से जिंदा किया और फिर मार दिया, फिर वांडा ने वांडा विजन सीरीज में विजन को जिंदा किया और फिर मार दिया। कितना अत्याचार हुआ है बेचारे विजन पर। जोक्स अपार्ट गाइस, पर ये दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब वांडा को तो आप जानते ही हो कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, और विजन ने भी थोर का हथौड़ा उठा रखा है, तो अब भाई आप ये समझ ही सकते हो कि ये दोनों एक साथ कितने ज्यादा पावरफुल है। थोर, रॉकेट एंड ग्रूट। अब भाई, मैं जानता हूँ कि ये दो नहीं बल्कि 3 लोग हैं, पर इन तीनों में से ग्रूट आई एम ग्रूट के अलावा कुछ नहीं बोलता, जिस वजह से मैंने इन्हें इस लिस्ट में रख लिया। अब रॉकेट रकून एक कितना डिफरेंट कैरेक्टर है, ये बात तो एमसीयू फैंस जानते ही हैं, और फिर थोर जैसे कैरेक्टर के साथ रॉकेट रकून की केमिस्ट्री, भाई मजा ही आ गया। वैसे ये टीम अप हमें देखने मिला था इन्फिनिटी वॉर में, जब रॉकेट रकून, ग्रूट और थोर स्टॉर्म ब्रेकर लेने जाते हैं। भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि रॉकेट रकून को थोर के साथ ही छोड़ दिया जाए, मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा मस्त लगती है। हल्क एंड थोर। इस डुओ को हमने देखा था थोर रैग्नारोक में, जहां पर स्टार्टिंग में तो ये एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं, पर बाद में ये साथ में हो जाते हैं। अब यहाँ पर स्पेशल बात ये थी कि हल्क यहाँ पर बोलता था, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हल्क बैनर बन जाता है। हालांकि थोर रैग्नारोक की एंड में जाके वो फिर से हल्क बनता है, लेकिन फिर इन्फिनिटी वॉर में बैनर बन जाता है। बस यार, मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने इस डुओ को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था, आयरन मैन एंड स्पाइडर मैन। वैसे तो इस डुओ को हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही देख लिया था, लेकिन वहां पर ये फाइट करने में बिजी थे, और इसके बाद ये डुओ दिखा हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में। अब देखो, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो फ्रेंड्स वाला नहीं है, बल्कि वो एक फादर और सन वाला ज्यादा लगता है। अब अपना आयरन मैन जो है वो स्पाइडरमैन की बहुत ही ज्यादा केयर करता है और उसे ज्यादातर बड़े खतरों से दूर रखना चाहता है, और इसी वजह से आयरन मैन ने स्पाइडरमैन के लिए ये सारे सूट्स बनाए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पीटर को कोई नुकसान पहुंचे। पर भाई, अफसोस इस बात का है कि अब आयरन मैन जा चुका है, जिस वजह से अब हमें ये डुओ दोबारा से एमसीयू में कभी नहीं दिख सकता। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। अब भाई, इस डुओ की बात ही अलग है, ये एक दूसरे को दुश्मनों से बचाते भी हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं, और सबसे अहम बात तो ये कि ये एक दूसरे की टांग खींचने का या मजाक बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अब तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नाम की एक वेब सीरीज भी आ चुकी है, जो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड है और इनकी स्टोरी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करती है। वैसे अब फैल्कन कैप्टन अमेरिका बन चुका है, तो अब हम इसे कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर भी बोल सकते हैं, लेकिन अब फैल्कन तो कैप्टन अमेरिका बन गया और अब हमें तलाश रहेगी न्यू फैल्कन की। वैसे अभी इस सीरीज के सेकंड सीजन की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन यार मैं तो इस सीरीज का सेकंड सीजन जरूर देखना चाहूंगा। रूमर्स तो ऐसे आए हैं कि जैसे कैप्टन अमेरिका 4 आ रही है, तो
अगर कैप्टन अमेरिका 4 बनी भी तो उसमें हमें विंटर सोल्जर तो ऑब्वियसली दिखना ही है। अब मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस कर देता हूँ जिसमें शामिल है थोर एंड लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग और स्टार लॉर्ड एंड थोर। अब भाई हमारे लास्ट कपल है हैप्पी होगन एंड एंट मैन। नहीं भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, हमारा अगला कपल है आयरन मैन एंड रेस्क्यू। अब भाई ये कपल हमें बिग स्क्रीन पर सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही दिखा था और भाई इतने में ही बवाल हो गया। रेस्क्यू एमसीयू में पहली और आखिरी बार हमें नजर आई थी एवेंजर्स एंड गेम में। अब जैसे कि अपने टोनी स्टार्क आयरन मैन है वैसे ही रेस्क्यू आयरन लेडी है, वैसे उसका नाम तो रेस्क्यू ही है। अपने सारे आर्मर्स की तरह रेस्क्यू का आर्मर भी आयरन मैन ने ही बनाया है। अब भाई ये डुओ इससे पहले हमने एमसीयू में कभी नहीं देखा था और इसीलिए ये डुओ हमारे लिए बहुत ही स्पेशल बन जाता है। और भाई थिएटर में आयरन मैन और रेस्क्यू को एक साथ लड़ते देख लोगों का कैसा रिएक्शन था ये बात तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने ये मूवी थिएटर में देखी थी। वैसे अब एमसीयू में आयरन हार्ट सीरीज आने वाली है तो ऐसा हो सकता है कि रेस्क्यू ही अब आयरन हार्ट को ट्रेनिंग दे। वैसे कुछ ऐसे डुओज या कपल्स भी हैं जो कि हमें एमसीयू के फ्यूचर में दिखने वाले हैं, जैसे कि लोकी एंड मॉबियस जो कि हमें लोकी सीरीज में दिखेंगे, मिस मार्वल एंड कैप्टन मार्वल जो कि हमें द मार्वल्स मूवी में दिखेंगे, स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेंगे, होकाई एंड कैट बिशॉप जो कि होकाई सीरीज में दिखने वाले हैं, और ब्लैक विडो में हमें ब्लैक विडो और उसकी बहन दिखने वाले हैं। तो ये थे बोर्डवर्स जो कि अभी तक हमें एमसीयू में दिख चुके हैं या फिर फ्यूचर में दिखने वाले हैं। तो अगर हमने कोई कपल मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।